भारतीय जनता पार्टी ने जन्मभूमि पर प्रभु राम का मंदिर मिले बने इसको पहली बार अपने पालमपुर अधिवेशन में उठाया था। तब से लेकर आज तक हमारा दृष्टिकोण मंदिर मुद्दे पे साफ है कि मंदिर हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, चुनाव का विषय नहीं है। एक बात और स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, बहुत साफगोई से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का स्पष्ट मानना है और जो कोर्ट का अंतिम आदेश है 30 सितंबर 2010 का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जो लखनऊ पीठ थी कि वहाँ पे जन्मभूमि पे मंदिर था, है और रहेगा। क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो कानून और संविधान को हम मानते हैं, इसलिए कानून और संविधान सम्मत वहाँ मंदिर बनना चाहिए, इस बात के हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन मंदिर वहाँ था, है और रहेगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी कतई किसी कन्फ्यूजन में नहीं है और हम साफगोई से इस बात को कहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, हमारी केंद्र की सरकार के ही प्रयासों का फल है कि वहाँ रोज डे टू डे हियरिंग संभव हो पा रही है 29 अक्टूबर से, यानी आगामी 29 अक्टूबर से वहाँ डे टू डे हियरिंग संभव हो पा रही है। ये वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार है उसी के प्रयासों का परिणाम है। तो हम दोनों अलग अलग इशूज थे, नहीं तीन तलाक में हम ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, तीन तलाक में हम ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बने, वहां राम मंदिर था, है और रहेगा, इतनी साफ गोई से अगर कोई एकमात्र राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात को कहती है। और 1949 से लेकर 2010 तक के जितने फैसले आए हैं अगर आप उठाकर देखेंगे तो चाहे वहाँ मूर्ति रखने का विषय हो, चाहे ताला खोलने का विषय हो, चाहे शिलान्यास का विषय हो, चाहे 1992 से अस्थाई मंदिर में पूजा अर्चना का मामला हो, हमेशा लगातार जो कोर्ट के फैसले हैं वो मंदिर के पक्ष में आए हैं। साथ ही साथ जो पुरातत्व की खुदाइयाँ हुई हैं उसमें जो सबूत मिले हैं वो इंगित करते हैं वहाँ मंदिर है। तो हम लोग निश्चित रूप से ये पूरा विश्वास है कि कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में आएगा। देश का संविधान सबको ये सुविधा प्रदान करता है कि हर कोई अपनी बात रख सकता है। प्रवीण भाई तोगड़िया भी अगर अपना विषय रखते हैं तो राम मंदिर वहाँ बने, इस बात से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक रखती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना मैंने दो तीन बार दोहराया है।